हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता कुकिंग जोन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मखाने का हलवा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे हम फास्टिंग में भी खा सकते हैं। तो आइए देखिए ये बनता कैसे है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो, और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मखाने का पाउडर बना लेंगे मिक्सी ग्राइंडर में। ये देखिए हमने पाउडर बना लिया है, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। और कढ़ाई में हमने घी को गर्म कर लिया है, 2 बड़ा चम्मच हमने घी लिया है। अब इसमें हम पिसा हुआ मखाने का पाउडर डाल देंगे और इसे हम हल्का रोस्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारा मखाना का पाउडर जल जाएगा। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे, लगभग आधा लीटर दूध। मैंने लिया है, अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे दूध में, जब तक हमारा हलवा थिक नहीं हो जाता, जब तक हम इसे दूध में अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल थिक हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, लगभग 4 बड़ा चम्मच। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच और आप डाल सकते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारा हलवा जल जाएगा। ये बिल्कुल ठीक हो गया है हमारा हलवा, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम अपने फ्लेम को बंद कर लेते हैं, गैस को, और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि हमारा कढ़ाई गर्म है, नहीं तो हमारा मखाना का हलवा जल जाएगा, इसलिए हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट से सिर्फ गार्निशिंग की है, आप इसमें हलवा में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसी तरह आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को ट्राई करें और स्वस्थ रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी तरह के टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।